चाल पंगु लिरी यम वंदे पीमानंदमाधुव गुरुर्ब्रह गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेशुरा गुरु साक्षात्म ब्रह्म तस्म गुरुवे नमः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्दुःखा भवेत् नंबर नौ दस अध्याय ग्यारह श्लोक नंबर नौ और दस नाइन एंड टेन अथ चित्त नक्नोसी मई स्थिर अभ्यास तथो मच्छा धनंजय भगवान कहते हैं यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर अब पहले श्लोक में भगवान का दिया मुझको मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा इसके उपरांत तू में निवास करे यहाँ भगवान पहला रास्ता अर्जुन को बता रहे हैं कि अपनी मन बुद्धि मुझ में लगा मई अर्पित मनोबुद्धि गीता में इसी अध्याय इसमें आगे आया था मई अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्ता समय प्रिया ऐसा मेरा भक्त मुझे बड़ा प्रिय है सबसे ज्यादा प्रिय है जो अपनी मन बुद्धि को मुझमें लगा लेता है अब देखो ये जो मन बुद्धि का संबंध है जब मन बुद्धि बीच में रुकावट है ये अनुकूल भी है और प्रतिकूल भी है ये बाधा भी है ये स... और साधन भी है तो अगर इसका साधन के रूप में उपयोग करें तो ये मन बुद्धि हमारे सहायक हो जाती है क्योंकि यही मन बुद्धि हमें परमात्मा से जोड़ती है यही मन बुद्धि हमें संसार से जोड़ती है कोई भी क्रिया करते हैं उससे पहले हमारे अंदर एक भाव बनता है फिर विचार बनता है और भाव और विचार क्रिया में परिणत होता है तो क्रिया से पहले भाव और विचार आते अब जो भी भाव और विचार है वैसी क्रिया होगी संसार का भाव और विचार है संसार की क्रिया होगी परमात्मा के प्रति भाव और विचार है तो परमात्मा की क्रिया होगी तो अध्यात्म के तरफ बहिर्मुखी अंतर्मुखी दोनों में मन बुद्धि का सहयोग चाहिए बहिर जीवन के लिए भी मन बुद्धि आज जो देख रहे हैं कि सारी दुनिया में इस प्रकार से जो विकास है विज्ञान है सुविधा है साधन है और एक धन और पद की दौड़ है तो धन और पद की दौड़ में कौन आगे निकल रहे वही जिनके पास ज़्यादा बुद्धि है ज़्यादा तर्क है ज़्यादा विचार है ज़्यादा अंदर से भाव है जितना ज्यादा गहरा भाव होगा उतना ही उसकी गति तीव्र होगी अब जितनी ज्यादा भाव उतनी गति तीव्र होगी अब वो बाहर की भा, का भाव हो या अंदर का हो कोई दुनिया में सिकंदर बनना हो कोई बहुत धनवान बनना हो कोई राजा बनना हो तो भी एक भाव की प्रधानता चाहिए और वैसी एक छटपटाहट एक तड़प और परमात्मा को पाना हो तो वो भी भाव की प्रबलता चाहिए जितना भाव प्रबल होगा उतना ज़्यादा हम एक छटपटाहट होगी एक आतुरता होगी एक गहरी प्यास होगी अब जितनी ज्यादा गहरी प्यास है और ये गहरी प्यास पैदा होती है भाव से वो पदार्थ की हो या परमात्मा की हो भगवान की हो या संसार की हो जितनी ज्यादा गहरी प्यास होगी उतनी ज्यादा हमारी गति तीव्र होगी उसको पाने की आतुरता होगी कैसे पाया जाए जिनको देखो जो परमात्मा के मार्ग पर भी चले हैं उनमें कह कितनी गहरी प्यास थी कह कितनी छठपटाहट थी कैसी तीव्रता थी इसलिए उसी गहरी प्यास को कहते हैं मोक्ष मोक्षुत्तम मुमुक्षुत्तम यानी मोक्ष की इच्छा कितनी तीव्र है मुमुक्षुत्तम कितना तीव्र है जिज्ञासा तो हर किसी में हो जाती है एक कौतूहल तो हो जाता है एक सहज मांग बन जाती है इच्छा बन जाती है लेकिन उस इच्छा को उस जिज्ञासा को पाने की आतुरता कितनी है प्यास कितनी है जो पदों की तरफ दौड़ रहे उनमें भी एक गहरी प्यास है और जो परमात्मा की तरफ जा रहे उनमें भी एक गहरी प्यास है तो भगवान कह रहे जिनको भगवान के मार्ग पर जाना हो उन्हें वो गहरी प्यास जगानी पड़ेगी और अपने मन बुद्धि को अपने भाव को विचार को उस दिशा में लगाना पड़ेगा परमात्मा की दिशा में लगाना पड़ेगा भाव की तीव्रता हो तो फिर उसी दिशा में हम आगे कैसे बढ़े हम विचार तर्क मार्ग खोजेगा लेकिन भाव की प्रधानता चाहिए अच्छा इसमें देखो दोनों के तर्क अलग अलग हैं दोनों के स्तर अलग अलग हैं देखो तर्क तो दुधारू तलवार है दोनों तरफ से मित्र को भी काट सकती है शत्रु को भी काट सकती है स्वयं को भी काट सकती है इसलिए तर्क का उपयोग कैसे कौन कर रहा है किसके हाथ में किसके हाथ में है उसका उपयोग दुरुपयोग होगा परमात्मा को जो पाने की तरफ जा रहे हैं वो भी तर्क का उपयोग कर रहे हैं और परमात्मा के विरोध में है वो भी तर्क का उपयोग कर रहे हैं आस्तिक के भी अपने तर्क हैं और नास्तिक के भी अपने तर्क हैं लेकिन परमात्मा मात्र बुद्धि और तर्क का विषय नहीं है कहते हैं बाउल नाम का एक फकीर उस बाउल नाम के फकीर के वो गीत गा रहा तारा तारा एक एक बजा रहा, रहा। गीत गा पंडित उससे पूछने आया कि जो तुम गीत गा रहे हो प्रेम की बातें करते हो क्या तुम्हें मालूम है प्रेम के कितने प्रकार हैं? इस पंडित ने बाउल फकीर में बंगाल में बाउल फकीर हुआ इससे पूछा क्या तुम्हें मालूम है कि प्रेम कितने प्रकार का होता है शास्त्र पढ़ा है तुमने कोई प्रेम का और शास्त्रों में कितने प्रकार का प्रेम वर्णन किया गया है वर्णित है कि तुम्हें ज्ञान है जब बाउल फकीर से पूछा शास्त्र और कितने प्रकार का प्रेम तो बाउल फकीर निरुत्तर हो जाता अब ये तो शास्त्रार्थ करने आया था पंडित था जब निरुत्तर हो जाता है तो बाउल फकीर खड़ा हो जाता अपनी सितार लेके और गी, एक गीत गाता है और उस गीत गीत का सारांश ये था भावार्थ ये था कि एक जौहरी एक बार फूलों की बगिया में आ जाता माली की बगिया में आ जाता फूलों में और माली उसको दिखा रहा देखो कितने सुंदर सुंदर फूल है माली उसको दिखा रहा कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हुए लेकिन वो जौहरी को कोई सुंदरता नहीं दिख रही वो एक एक फूल तोड़ता और जो सोने को कसने की सोने को कसने की उसकी कसौटी थी उस सोने की कसौटी पर वो सुनार कसकस -कस के देख रहा वो सुनार सोने की कसौटी के पत्थर पर कसकस -कस के रगड़ रगड़ के देख रहा और कहा कहाँ है सुंदरता इसमें ये केमिकल है इसमें ये केमिकल हैं और विश्लेषण कर दिया और सुंदरता विश्लेषण में नहीं है सुंदरता संश्लेषण में एनालाइज में नहीं है सिंथेसिस में, खंड खंड में सुंदरता नहीं है अखंड में सुंदरता है, फूल को खंड खंड का दो तोड़ो और घिसो सोनों की कसने की कसौटी पर और पूछो कहां है सुंदरता सुंदरता नष्ट हो गई सुंदरता उसकी सु... समष्टि में है और सुंदरता को देखने की आंख चाहिए एक सुनार की आंख तो सोने को, को ही परख सकती है उसे फूलों की सुंदरता समझ में नहीं आएगी तो बाउल फकीर ने गीत गाया कि तुम ऐसे व्यक्ति हो जो प्रेम के भी प्रकार प्रेम का स्वाद नहीं लिया प्रेम को जाना नहीं है प्रेम को भी बुद्धि से जानना चाहते हो पर प्रेम को भी तर्क से जानना चाहते हो और प्रेम को तर्क की कसौटी पर कसोगे तो वो वही वही स्थिति होगी जैसे उस सुनार ने फूल को की सुंदरता पत्थर पर रगड़ के देखनी चाहिए फूल की सुंदरता देखनी हो तो पत्थर पर रगड़ के मालूम नहीं होगी उसके लिए एक भाव चाहिए प्रेम चाहिए आँख चाहिए खुली प्रेम तर्क का विषय नहीं होता है प्रेम में एक भाव चाहिए समर्पण चाहिए एक माँ से पूछो किसी साधु ने एक माँ को एक फल दिया साधु ने एक माँ को फल दिया कहा तो मार्ग में जो भी सुंदर बच्चा मिले जो भी सुंदरतम बच्चा हो सुंदरतम बच्चा जो भी हो उसको ये फल दे देना वो माँ आती है रास्ते में अनेक अनेक बच्चे खेल रहे थे लेकिन वो फल उसने किसी को नहीं दिया अपने घर आती है अपने घर आके उसका अपना बेटा जो धूल मिट्टी से सना हुआ काला कलूटा माँ उस बच्चे को गोद में उठाती है गले लगाती है चूमती है और वो फल उसको दे देती कहा मेरे लिए तो सबसे सुंदर यही है एक बच्चे की सुंदरता माँ से पूछो किसी माँ को अपना बेटा कभी कुरूप नहीं लगेगा किसी माँ को अपना बेटा कभी कुरूप नहीं लगेगा अब वहां तर्क का बात नहीं है वहां भाव की प्रधानता है भाव की प्रधानता है परमात्मा को पाने की ऐसा भाव हो छटपटाहट हो और भगवान ने यहां तीन बातें बता रहे हैं एक बात में तो कहा प्रेम का मार्ग भक्ति का मार्ग और कहा अगर ये ना कर सको तो दूसरा मार्ग बताया अभ्यास का के अभ्यास का अभ्यास योग का ध्यान का अभ्यास योग का और बताया अगर ये भी ना कर सको तो तीसरा रास्ता बताया कर्म योग का मद अर्पण कर्म भगवान को अर्पित किए हुए कर्म समर्पण के भाव से कर्म समता में किए गए कर्म परमात्मा के निमित्त किए गए कर्म अब यहां तीनों की जरूरत क्या है देखो जीवन एक से एक सुंदर संगीत प्रकट हो सकता कहते हैं किसी व्यक्ति के घर पर एक पुराना बहुत सुंदर सितार रखा हुआ था सुंदर सितार रखा हुआ था लेकिन कोई बजाना नहीं जानता था बुजुर्गों का था बुजुर्ग बजाते थे अब कोई बजाना नहीं जानते थे तो एक कोने में रखा हुआ था बड़ा था जगह ज्यादा घेरे था और वो भी कभी कभी कोई उसमें चूहा कूद जाए या कोई चीज गिर जाए तो लोगों की आंख खुल जाती थी आवाज ज़्यादा आती थी तो कहते हैं घर के लोगों ने उसे उठा के बाहर के कूड़ेदान में डाल दिया बाहर के कचरे में कूड़े में उसे डाल दिया जब उसे बाहर के कूड़े कचरे में डाल दिया क्योंकि वो सितार उनके लिए एक उपद्रव था एक असुविधा थी व्यर्थ था उसे फेंक दिया कहते हैं वहाँ जाते हुए एक भिकारी ने एक फ़कीर ने वो देखा सितार और सितार उठा लिया और सितार उठा के उस पर बजाने लगा गीत गाने लगा बजाने लगा जब उस सितार की सुंदर संगीत सुना उस घर के लोगों ने दौड़े घर के लोगों ने उस सितार का सुंदर संगीत सुना तो दौड़े कितना सुंदर संगीत ये बज रहा कौन बजा रहा है तो देखा वही सितार जो उन्होंने फेंक दिया था ये फकीर उसे बजा रहा था उससे कहा ये मुझे वापस दे दो उसने कहा ये तुम्हारे लिए तो व्यर्थ था तुम्हारे लिए तो व्यर्थ था इसकी कोई उपयोगिता नहीं थी इसलिए तुमने कूड़े में फेंक दिया लेकिन अगर तुम्हें बजाना आता होता तो इसकी सार्थकता क्या था इसका महत्व तो क्या था इसका मूल्य क्या था वो वही बता सकता जिसको बजाना आया हो जीवन हम सबको परमात्मा ने दिए हैं हम सभी को परमात्मा ने एक सा जीवन दिया है लेकिन इस जीवन को एक तो कूड़े में डाल के व्यर्थ कर रहे हैं कूड़े कचरे में डाल के व्यर्थ गमा रहे हैं और एक ने इस जीवन से सुंदर संगीत पैदा कर लिया कोई बुद्ध ने कोई महावीर ने कोई मीरा ने कोई नानक ने कोई कबीर ने एक संगीत पैदा किया इस जीवन से एक संगीत पैदा किया लेकिन इस जीवन से एक संगीत पैदा हो तो उसके लिए कला चाहिए कुशलता चाहिए समझ चाहिए अभ्यास चाहिए अब इस जीवन से संगीत कैसे परमात्मा का संगीत कैसे प्रगट हो आनंद का संगीत कैसे प्रकट हो तो अब उसी के लिए भगवान ने तीन मार्ग बताए कि हमारे जीवन से आनंद का संगीत परमात्मा का संगीत कैसे प्रकट हो क्योंकि हमारा सबका जीवन बहिर्मुखी है बाहर की दुनिया कोई धन की दौड़ में दौड़ रहा कोई पद की दौड़ में कोई प्रतिष्ठा की दौड़ में अब जो धन की दौड़ में दौड़ रहा है उसका प्रेम धन से है जो पद की दौड़ में दौड़ रहा उसका प्रेम पद से है और जो धन और पद के प्रेम में पड़ा है वो परमात्मा के प्रेम में नहीं पड़ पाएगा ध्यान रखना प्रेम तो प्रेम है अगर तुम कबीरा मन तो एक है चाहे जहां लगा कबीरा मन तो एक है चाहे जहां लगा चाहे तो हर भजन में चाहे विषय कमा कबीर कहते हैं मन तो एक है चाहे तो हर भजन में चाहे विषय कमा चाहे तो परमात्मा में लगा लो चाहे संसार के विषयों में लगा लो कबीरा मन तो एक है एक साथ एक ही यात्रा हो सकती है चाहे परमात्मा की यात्रा कर लो या संसार की यात्रा कर लो बहिर्मुखी हो जाओ या अंतर्मुखी हो जाओ चाहे तो हरी भजन में चाहे विषय कमा अब जो पद की दौड़ में है पैसे की दौड़ में है प्रतिष्ठा की दौड़ में है उनके लिए परमात्मा का कोई मूल्य नहीं है और जिनके लिए परमात्मा का मूल है उनके लिए संसार का कोई मूल्य नहीं है पद प्रतिष्ठा का कोई मूल्य नहीं है सोचो जैनियों में चौबीस तीर्थकर हुए चौबीसो तीर्थकर राजा थे जब उन्होंने राज्य को महल को सिंहासन को सत्ता को व्यर्थ समझा तो सारा छोड़ के उस संपदा के लिए निकल गए जो संपदा उनको अंदर से मिल जाती परमात्मा की संपदा संसार की संपदा से मुक्त हुए तो परमात्मा की संपदा हाथ में आई संसार की संपदा से हाथ खाली हुए तो परमात्मा की संपदा आई हृदय के सिंहासन से संसार हटा तो परमात्मा विराजमान हुआ अब ये चॉइस अपनी है ये मांग अपनी है तो भगवान कहते हैं तीन मार्ग इसलिए भगवान बता रहे कि इनमें से तीनों में से पहला मार्ग बताया है कि अपनी मन बुद्धि को भगवान में लगाओ भाव का रास्ता प्रेम भक्ति और जिनको प्रेम और भक्ति का मार्ग आ गया उनके लिए जीवन की कोई और सार्थकता नहीं रही और कोई उनके लिए मूल्य नहीं रहा ऐसे लोगों को देखो जो इस तरीके से मार्ग पर चलते हैं वो संसारियों के समझ में नहीं आते वो कहते कैसा ये व्यक्ति है सारी दुनिया धन की दौड़ में है पद की दौड़ में है सुविधा की दौड़ में है ये किस दौड़ में निकल उसे तो लोग समझते कुछ इसका दिमाग कुछ ठीक नहीं है इसके दिमाग के कुछ स्क्रू ढीले हो गए देो जिन महापुरुषों ने ऐसा भगवान बुद्ध ने जब घर छोड़ा तो भगवान के पिता ने भी बुद्ध को बुद्ध ना माना बुद्धू माना कि सारी दुनिया राजा बनने के लिए उत्सुक है और ये भिकारी बन रहा है ये भीख मांग रहा है लेकिन उन्हें नहीं समझ में आया कि बुद्ध ने क्या पाया बुद्ध को बौद्धत्व की उपलब्धि हुई तो क्या पाया है अंदर की कौन सी संपदा पाई है ये महाराज सुद्धोधन को समझाने का बताने का कोई उपाय नहीं था कि बाप को बता सके कि हमने कौन सी संपदा पाई है. बाहर की संपदा गिनाई जा सकती है दिखाई जा सकती है प्रकट है लेकिन अंदर की जो संपदा बुद्ध ने पाई मीरा ने पाई नानक ने पाई कबीर ने पाई उसे बताने का कोई उपाय नहीं उसे प्रकट करने का कोई उपाय नहीं था 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 उसकी निजता स्वयं में है उसका सुख उसका आनंद उसकी मस्ती अपने अंदर है और ये बात दूसरों के समझ में नहीं आती है इसलिए लोग थोड़े से लोग इस मार्ग पर ज़्यादा भीड़ दिख रही उसी तरफ ज्यादा से ज़्यादा जो भीड़ दिख रही है जो आपाधापी है उठापटक है संसार के लिए वस्तुओं के लिए व्यक्तियों के लिए पद प्रतिष्ठा के लिए धन मान के लिए कभी कभी तो आप देखो घुमा फिरा के धर्म के मार्ग में आके भी व्यक्ति की मांग वही है दौड़ वही है चाह वही है तो ऐसे लोग धर्म को भी धंधे बना लेते हैं और जैसे धंधे चलाए जाते हैं कि अच्छी से अच्छी मार्केटिंग हो अच्छे से अच्छे चैनलों पे दिया जाए सब वही प्रक्रिया अपनाते हैं जो धंधा करने वाला अपनाता है जिसको धन कमाना है धंधे से वो भी वही चैनलों पे दे रहा है मार्केटिंग बढ़िया कर रहा है और फिर लोगों को बैंक के अकाउंट बता बता के पैसा इकट्ठा कर रहा है बैंक के अकाउंट बता बता के अब वो धर्म के रास्ते पर उसने एक धर्म का ओडा है धर्म के लक्ष्य मार्ग अंदर की अभिपा चाह वही धन है लेकिन ऐसे महापुरुष हुए जो बुद्ध महावीर नानक कबीर जिनकी उन्होंने जीव धन जीवन को संसार के लिए नहीं परमात्मा के लिए इसलिए उन्होंने धन संग्रह नहीं किया लेकिन उन्होंने वो संपदा पाई जो अंदर की संपदा थी परमात्मा की संपदा थी और उनके जीवन में वो फूल खिले वो संगीत परमात्मा का गूंजा जो आज तक लोगों के लिए प्रेरणादायी आज भी लोग उनसे बुद्ध और महावीर की वाणी से कृष्ण कबीर और नानक की वाणी से लोग आज भी प्रेरणा ले रहे तो भगवान कहते अर्जुन से कि अर्जुन अगर तुझे ये बात समझ में नहीं आती है मुझको मन में तो दूसरी बात पर है कि अभ्यास से अभ्यास योग यदि मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन अभ्यास रूप योग के द्वारा अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त कर अभ्यास रूप योग अभ्यास योग क्या है एक तो अभ्यास शब्द है जब अभ्यास का अर्थ है कि पुनरावृत्ति रिपीट रिपीटेशन अभ्यास योग जब भगवान कह रहे हैं तो पीछे भगवान ने अभ्यास योग का अर्थ दिया है समता योग समता योग मात्र अभ्यास नहीं है रिपीटेशन नहीं है समता पूर्वक अपने मन को पूर्वक और समता में क्या है कि जो पहले भगवान कह रहे मई अर्पित मनोबुद्धि जब मन और बुद्धि को हम भगवान में लगा देते हैं चित्त में समता आ जाती है और जब चित्त में समता आ जाती है तो भगवान उसी को कहते हैं कि ये समता योग है देखो हर व्यक्ति की अपनी अपनी अलग अलग मांग है हर व्यक्ति की अपनी मांग अब चित्त में समता कैसे आए जब संसार की मांग हटे तो परमात्मा की मांग खड़ी हो संसार की चाह हटे तो परमात्मा की प्यास पैदा हो और वैसे तो आप देखो जितने लोग हैं उतनी हर किसी के अपनी अपनी अलग अलग पसंद है अपनी अलग अलग मांग है अपनी अपनी चाह है यहाँ भगवान करें इसलिए अभ्यास योग समता न उसे अच्छा कह रहे ना बुरा कह रहे ना प्रिय ना अप्रिय न अनुकूल ना, ना प्रतिकूल ये भी नहीं कि संसार की निंदा में जाए संसार की निंदा में जाने का भी कोई कारण नहीं ऐसा व्यक्ति अगर संसार की निंदा में पड़ गया तो भी मूल संसार का है तो भी मूल संसार का है। एक बार कहते हैं कोई रामक परम हंस के पास आया और रामचंद्र परमहंस से कहा कि मैंने इतना कुछ त्यागा है परिवार त्यागा पत्नी त्यागी धन धन त्यागा इतना कुछ त्यागा और परमात्मा अभी तक नहीं मिला पत्नी का त्याग किया परिवार का त्याग किया संतान का त्याग किया धन संपदा का त्याग किया लेकिन अभी तक परमात्मा नहीं मिला जैसे परमात्मा को पाने की ये कोई शर्त हो कि ये ये त्याग हो इतना कुछ कीमत हमने लगा दी त्यागा परमात्मा के लिए और जब जिसको हम कह रहे हैं त्यागा तो अभी मूल बरकरार है अभी उसका मूल है कि धन का मूल है इसलिए हम तो उसकी चर्चा कर रहे है हैं कि हमने त्यागा परिवार का मूल है इसलिए चर्चा कर रहे त्यागा अन्यथा जिसे हम व्यर्थ समझ लेते हैं और उसे त्यागते उसकी चर्चा नहीं करते कोई अपने घर में कूड़ा साफ करता कूड़ा बाहर फेंक देता तो उसकी चर्चा नहीं करता कि आज मैंने कूड़ा बाहर फेंका जो व्यर्थ ही था कूड़ा ही था उसके त्याग की चर्चा क्या करना और अगर चर्चा हो रही है तो वो व्यर्थ नहीं है सार्थक है तो जब इस व्यक्ति ने कहा कि हमने ये ये त्यागा और परमात्मा ना मिला भजन नहीं हुआ ध्यान नहीं हो रहा है मन एकाग्र नहीं हो रहा है तो कहते राम के परम हंस ने उसे एक मंत्र दिया और कहा यह मंत्र तुम्हें दे रहे हैं और इस मंत्र के जाप से तुम्हें आत्मज्ञान हो जाएगा मन ठहर जाएगा परमात्मा का दर्शन हो जाएगा बड़ा खुश हुआ बड़ा खुश हुआ कि देखो आज तक ऐसा कोई गुरु नहीं मिला था और यह सिद्ध गुरु मिला है जो कह रहा है कि इस मंत्र के जाप से आधा घंटे भी तुम बैठोगे तो आधा घंटे के जाप से ही तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति आत्म साक्षात्कार आत्मज्ञान ईश्वर दर्शन जब वो वापस जा रहा था तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा थोड़ी बात और सुन लो पूरी बात सुन लो कहा यह मंत्र का जाप तो करना लेकिन साथ में किसी बंदर का चिंतन मत करना साथ में किसी बंदर का चिंतन मत करना उसने कहा बंदर से मेरा क्या लेना देना मैं तो कभी बंदर का चिंतन ही नहीं, नहीं किया मैंने तो कभी बंदर का चिंतन किया ही नहीं है बंदर के चिंतन से मेरा क्या लेना देना और क्यों करेंगे कभी नहीं किया रामकृष्ण परमेश ने कहा बस हित में निश्चित परमात्मा के दर्शन होंगे ये घर आया और बैठा जब ध्यान करने के लिए मंत्र जाप के लिए तो जैसे मंत्र शुरू किया बार बार बंदर का चिंतन हो रहा है बार बार बंदर का चिंतन हो रहा जिसके लिए इनकार किया था कि बंदर का चिंतन मत करना वो बंदर बार बार अंदर घूमने लगा छलांगे लगाने लगा मंत्र जाप ना कर सका क्योंकि बार बार वो बंदर बंदर बीच में आ रहा है रामकृष्ण परमहंस के पास आया कहा आपने तो मुझे अच्छी असुविधा में डाल दिया पहले तो मैं कभी बंदर का चिंतन करता ही नहीं था लेकिन जैसे तुमने कहा बंदर का चिंतन मत करना तो अब बंदर का चिंतन ही शुरू हो गया हम जिसका निषेध करते हैं वो निषेध ही आमंत्रण हो जाता हम जिसका निषेध करते हैं वही आमंत्रण हो जाता तो भगवान कहते कुछ निषेध में नहीं जाना या कुछ निषेध में नहीं निषेध में ना जाके समता में रहना है समता में रहना और जितनी ज्यादा समता में रह के हम रहेंगे उतना ही हमारे योग योग जो है अंतर्मुखी होगा क्योंकि विद या निषेध जो भी हम संसार के साथ जोड़ते हैं वो दोनों हमें बहिर्मुखी करेंगे कभी मित्र ही बंधन नहीं होता शत्रु भी बंधन होता है संसार के संबंध चाहे मित्र का बनाओ या शत्रु का बनाओ बहुत बार हम मित्रों को भूल भी जाते हैं शत्रुओं की पहचान शत्रुओं की याद सतु शत्रुओं का स्मरण स्मृति और गहरी होती है हमारे मन में कभी कोई पूछे कितने मित्र हैं कितने शत्रु हैं तो मित्र को तो एक बार भूल भी जाएंगे लेकिन शत्रुओं को नहीं भूलते उनकी गहरी स्मृति होती है तो संसार का संबंध मित्र से हो या शत्रुवत हो कैसे भी हो दोनों में संसार कारण रहेगा आकर्षण रहेगा तो भगवान कहते हैं अभ्यास योग अभ्यास का योग कि चित्त में समता लाए ना आकर्षण है ना विकर्षण है ना स्तुति है संसार की ना निंदा है संसार की ना स्तुति ना निंदा ना आकर्षण ना विकर्षण और जब आकर्षण विकर्षण दोनों से हम मुक्त हो जाते हैं स्तुति और निंदा से मुक्त हो जाते हैं तो हमारे मन में एक ठहराव आ जाता एक ठहराव आ जाता है और जो ठहराव आएगा भगवान उसी की बात कहते हैं कि उस ठहराव में ही हमारा विवेक जागृत होगा हमारी चेतना विकसित होगी ठहराव में एक चेतना का विकास चेतना ठहराव का मतलब चेतना ठहरी है अब चेतना को हवाओं के झोंके नहीं लगेंगे विचारों के झोंके नहीं लगेंगे विचार आते हैं संसार की अनुकूलता और प्रतिकूलता से विचार आते हैं आकर्षण और विकर्षण से संस... विचार आते हैं राग और द्वेष से जब राग भी नहीं है द्वेष भी नहीं है कोई प्रिय नहीं है कुछ अप्रिय नहीं है तो चित्त में समता आती है तो हम विचार से मुक्त हो जाते हैं तो विचारों के झोंके नहीं लगेंगे और जब विचारों के झोंके नहीं हैं, तो हमारी चेतना ठहर जाती है और जो चेतना का प्रकाश ठहरता है भगवान कहते हैं वही तुम्हें अंतर्मुखी गहरी यात्रा में लेके जाएगा अभ्यास योगे अगले शोक में भगवान कह रहे हैं अभ्यास अपि समर्थ असीमत कर्म परमा भव मदर तम कर्माणि कर्माणी कुरवा सिद्धिम भगवान कह रहे थे हैं, अभ्यास में भी असमर्थ हैं तो केवल मेरे लिए कर्म करने के करके ही परायण हो जा इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा तो भगवान कहते हैं, अगर अभ्यास भी नहीं कर पा रहे परमात्मा का ध्यान का अभ्यास नहीं कर पा रहे मन में चंचलता जाता है राग द्वेष ज़्यादा है तो अगर राग द्वेष ज़्यादा है चित्त में चंचलता ज़्यादा है तो भगवान कहते हैं फिर मद अर्पण कर्म करो मत कर्म परमात्मा मेरे अर्पण मदरतम कर्म कौन से है भगवान कहते हैं मेरे अर्पण किए हुए कर्म करो जीवन का हर कर्म हर व्यवहार हर क्रिया परमात्मा को को अर्पित करके समर्पण के भाव से व्यवहार में है अब देखो जब तक व्यक्ति बुद्धि के भाव के स्तर पर है तो प्रेम का मार्ग भक्ति का मार्ग बुद्धि के स्तर पर है साधना के पर ज्ञान का मार्ग ध्यान का मार्ग और अगर शरीर के स्तर पर है अभी तो अभी शरीर के स्तर पर ही जब जी रहा है तो भगवान कहते कर्म का मार्ग योग लेकिन वो कर्म योग भी योग कब बनता है हर कर्म योग नहीं बनता कर्म योग तब कर्म बनता है जब वो पर परमात्मा को अर्पण करके किया जाए इसलिए पीछे भगवान गीता में चौथे अध्याय में कहा था कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फले मां कर्म फल हेतु तो माते माते संगड़ी भगवान कहते हैं कर्म करो कर्मने व अधिकार अस्ते मां फल कर्म पर तुम्हारा अधिकार है लेकिन फल पर नहीं तो जो कर्म करो भगवान की पूजा समझ के फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है फल की मांग नहीं फल हमें बहिर मुखी करेगी फल हमारे चित्त में विषमता लाएगी राग और द्वेश पैदा करेगी और राग और द्वेष पैदा करे मांग पैदा करे चाह पैदा करे तो भगवान कहते फिर तुम तुम्हारा चित्त में समता नहीं है तो तब कर्म कर्म भगवान को अर्पित किए हुए नहीं है जो कर्म भगवान को अर्पित किए हुए होते हैं उसमें व्यक्ति की अपनी कोई मांग नहीं है अपनी कोई चाह नहीं वो कर्म करेगा लेकिन इस भाव से करेगा लोक कल्याण के लिए जन कल्याण के लिए क्योंकि जो पीछे भगवान आते हैं सर्वभूत हितेरता पीछे इस श्लोक में जब भवान ने कहा था सर्वभूत हितेरता तो ऐसा व्यक्ति जो कर्म करेगा वह सर्वभूत हितेरता प्राणी मात्र के हित के लिए क्योंकि वो प्राणी प्राणी नहीं है वो परमात्मा है हर रूप में परमात्मा है जब हर रूप में परमात्मा है हर लहर में सागर है हर रूप में परमात्मा है तो भगवान कहते हैं वो सर्वभूत हिते रहता सभी प्राणियों के हित में क्योंकि सब में परमात्मा है और जो सब में परमात्मा को देखकर सबके हित के लिए सबके मंगल के लिए सबके सुख के लिए जो कर्म कर रहा है भगवान कहते हैं, वो मद कर्म भगवान को अर्पण किए हुए कर्म और ऐसे कर्म से व्यक्ति की अंताकड़ की शुद्धि होगी यानी राग द्वेष से मुक्त होगा अब ना राग है ना द्वेष है ना कोई मांग है ना कोई शिकायत है ऐसा व्यक्ति राग द्वेष से मुक्त हो जाता ना कोई राग है ना कोई द्वेष है सारा जीवन उसका एक बांसुरी की तरह हो जाता परमात्मा बजा रहा आप देखें कबीर ने कबीर कपड़ा बुनते हैं और कबीर कपड़ा बुनते हैं कबीर कपड़ा बनाते हैं बाजार में बेचने जाते हैं। तो ये नहीं क्या उससे हमें ये लाभ मिलेगा ये लाभ मिलेगा कपड़ा बुनते हैं और कपड़ा देते तो जिसे देते हैं जिसको देखा कोई निर्वस्त्र है कपड़ा नहीं है सर्दी से कोई ठिठुर रहा है तो कबीर उसे कपड़ा दे देते दे दे दे, बिना पैसे के दे देते क्या मेरे राम राम ने ही कपड़ा बनाया राम के लिए राम ने ही कपड़ा बनाया है और राम के लिए ही जिसे दे रहे हैं उसे कह रहे हैं राम के लिए वो राम है कबीर ने कपड़ा बुनना का बंद नहीं किया लोगों ने बहुत कहा कि कबीर कपड़ा आप क्यों बनते हो तुम इतने बड़े संत हो इतने तुम्हारे अनुयायी हैं हम सब तुम्हारे भरण पोषण की व्यवस्था करेंगे सुख सुविधा का ध्यान रखेंगे आप क्यों बना रहे तो कबीर कहते हैं कबीर कपड़ा भी बुनते हैं और परमात्मा के गीत भी गाते हैं कहते परमात्मा ने भी अपना काम बुनना बुनना काम बंद नहीं किया परमात्मा भी संसार को बुन रहा है जब परमात्मा ने काम बंद नहीं किया तो हम अपना काम बंद कैसे कर दें कबीर के लिए कपड़ा बुनना भी साधना हो गई क्योंकि कबीर कहते मैं नहीं कर रहा वही करा करे कराए आप ही आप नानक ने नानक ने कभी खेती करना बंद नहीं किया नानक कहते हैं खेती करते थे और जब खेती करते थे तो नानक कहते मैं नहीं कर रहा परमात्मा ही कर रहा करतारपुर में कहते जहां वो रहते थे उस जगह का नाम ही पूरा करतारपुर कर्ता भी कर्म कर रहा है परमात्मा भी कर्म कर रहा है तो नानक ने कहा हम कैसे कर्म छोड़ दे परमात्मा ने कर्म नहीं छोड़ा हम कैसे छोड़ दे अब जो नानक खेती भी करते हैं लोक कल्याण के लिए नानक के पिता ने कहते एक बार उनको पैसे दिए कि इस पैसे से तुम व्यापार करना है बाजार से चीज खरीद के लाना और दूसरी जगह जाके महंगी बेच देना सस्ता खरीद के लाना महंगी बेच देना उससे तुम्हें कुछ मुनाफा मिलेगा लाभ होगा तो बाप ने पैसे दिए उनके पिता ने गुरु नानक देव के पिता ने उन्हें पैसे दिए कि इस पैसे से तुम व्यापार करना और लाभ का व्यापार करना हानि का नहीं हो लाभ का ये एक शहर से खरीद के लाना दूसरी जगह जाके बेचना अधिक में कहते हैं नानक ने एक जगह तमाम आटा चावल दाल ये सब खरीदा और जब खरीद के लेके जा रहे थे कि कहीं बेचेंगे जाके तो मार्ग में देखा कि तमाम साधु वहां पे दो दिन से भूखे बैठे हुए थे कुछ साधु यात्रा में निकले हुए थे यात्रा में निकले हुए थे जा रहे थे लेकिन उनकी कोई व्यवस्था भोजन की नहीं थी तो नानक ने जो उनके पास राशन सामग्री थी चावल दाल आटा वो सब उन साधुओं को दे दिया और साधुओं ने वो भोजन बनाया खाया नानक को खूब आशीर्वाद दिए कि भगवान ने देखो तुम्हें इस रूप में भेज दिया जब नानक घर आते हैं गुरु नानक देव के पिता ने पूछा क्या सौदा किया क्या लाभ कमाया तो नाना कहते हैं और कहा है मैंने सच्चा सौदा किया नाना कहते हैं मैंने सच्चा सौदा किया असली कमाई हुई है मुनाफा का खूब मुनाफा हुआ है तो पूछा क्या मुनाफा कमाया तो बताया ऐसे ऐसे साधुओं को खिला दिया अब नानक के लिए इससे बड़ा सच्चा सौदा और क्या होगा इससे बड़ी मुनाफा और क्या होगा कि नानक को वो नानक में वो भिकारी है साधु नहीं दिख रहा नानू नानक को परमात्मा दिख रहा कि परमात्मा इसी रूप में आ गया परमात्मा इसी रूप में आ गया और परमात्मा को हम तृप्त कर रहे हैं परमात्मा को दे रहे हैं इससे बड़ा और सच्चा सौदा क्या होगा इससे बड़ा और मुनाफा लाभ क्या होगा ऐसा लाभ का काम किया अब नानक व्यापार खेती भी करते हैं व्यापार भी करते हैं कुछ भी करते हैं वो परमात्मा के लिए सर्वभूत हित रथा जो पीछे कहा है सर्वभूत हितेरथा रविदास ने कभी जूता बनाना नहीं छोड़ा जूता नहीं बना और रविदास जूता बनाते हुए भी परमात्मा के गीत गा रहे हैं पर जितने रविदास के गीत लिखे हैं वो रविदास के रविदास ने काम नहीं छोड़ा जूते भी बना रहे परमात्मा के गीत भी गा रहे और कहते हैं एक बार कोई बहन गांव की एक महिला हरिद्वार में जाती है गंगा नहाने और हरिद्वार में गंगा नहाने गई तो कहते गंगा नहाने में उसके हाथ का एक सोने का कड़ा नदी में बह गया एक हाथ का सोने का कड़ा नदी में बह गया जब घर वापस लौटती तो पहले वो घर ना जाके रविदास जी के पास आती है। घर ना जाके रविदास जी के पास आई और रोने लगी रविदास ने पूछा क्या कारण है किस लिए रो रही तो उसने सारी घटना बताई कि किस तरीके से मैं गंगा नहाने हरिद्वार गई थी और मेरा एक सोने का कड़ा गिर गया अब मेरा पति पूछेगा तो बहुत डांटेगा गुस्सा करेगा बड़ी मुश्किल से कई साल पैसे के बचा बचा के इकट्ठा कर करके एक हाथ के कड़े बनवाए थे उसमें एक चला गया पति बहुत नाराज होगा गुस्सा करेगा तो जब उसका रोना सोना शुरू हुआ रोने लगी तो कहते रविदास ने जो उनको चमड़ा गीला करते थे पानी में वो कसौटी थी वो उनका पानी एक उनका बर्तन था जिसमें वो जिसको कहते हैं कचौटी थी वो जिसमें वो चमड़ा रख गीला करते थे उसी से पानी उसमें था उसमें से निकाल के वो कड़ा दे दिया कठौता जैसे कहते हैं कठौता कठौता मतलब काठ का बना हुआ एक बर्तन होता था एक भगोने जैसा बर्तन होता था लकड़ी का बना हुआ उसमें पानी होता था उसमें चमड़ा गीला करके और जूता बनाते थे क्योंकि चमड़ा जब गीला हो जाता तो मुलायम हो जाता काम काम करने में छिलने में सुविधा हो जाती तो कहते हैं उसी उन्होंने उससे उससे में हाथ डाला और कंगन निकाल के दे दिया मन कहती इसलिए कहती है मन चंगा तो कठौती में गंगा जो कठौती थी वो गंगा बन गई खोया था हरिद्वार में गंगा में और वो कस कठौती में से निकाल लिया ये भाव चाहिए जब अगर व्यक्ति का भाव है उसे कहीं जाने का अर्थ नहीं है कर्म ही उसके लिए पूजा हो गया कर्म ही उसके लिए उपासना हो गया कर्म ही उसके लिए परमात्मा को पाने का साधन हो गया लेकिन वहां पर कर्म ऐसा हो भगवान कहते मद अर्म मुझ परमात्मा में अर्पण किए हुए कर्म कर्तित्व का अभिमान ना हो कि मैंने किया मैंने दिया मैंने किया मैंने कुछ ये अहंकार नहीं मैं नहीं परमा परमात्मा कर रहा ऐसे व्यक्ति का जीवन एक बांसुरी की तरह हो जाता बांसुरी की तरह शब्द होंगे संगीत होंगे क्रिया होगा व्यवहार होगा लेकिन वो कहेगा मेरा नहीं परमात्मा को कर। करे कराए आपया अपने आप वही करा रहा परमात्मा किस कितने रूपों में क्या क्या करा रहा है ये सब उसकी कृपा है जो उसकी ऐसे कृपा देखने लगे और देखो ऐसा व्यक्ति के जीवन में कभी भी असुरक्षा नहीं होती है ऐसे व्यक्ति के जिन्होंने ये नहीं कि धन इकट्ठा करके संग्रह करके अपनी सुरक्षा बनाए वो कहते हमारी सुरक्षा तो परमात्मा का हाथों तो हैं आगे पीछे हर खड़े जब मांगे तब दे परमात्मा आगे भी है पीछे भी है इसलिए कबीर ने देखो कबीर ने कोई धन संग्रह ना कर सके नानक कोई धन संग्रह ना कर सके रविदास कोई बड़ी कोठी ने बना सके क्योंकि जो भी आता वो लोकहित में सर्वभूत हिते रहता प्राणी मात्र के हित में उनका जीवन कर्म कर रहे हैं लेकिन कर्म को ही उन्होंने पूजा बना दिया वर्क इज वर्ष कर्म पूजा तब बन जाता है जब कर्म के साथ फल की कोई मांग ना हो फल की कोई चाह ना हो फल की कोई अपेक्षा ना हो तो कर्म पूजा हो रहा है जिस रूप में जिसके लिए कर रहा कहती ये भगवान के अनेक रूप हैं जब व्यक्ति अपनी सुरक्षाएं करता जितनी ज्यादा सुरक्षा करता है अपनी उतना ही परमात्मा से हम दूर होते जाते हैं। कहते हैं किसी राजा ने एक सुंदर महल बनवाया और जब महल सुंदर बनवाया ऐसा सुंदर महल कि उसमें सिर्फ एक ही दरवाजा था और चारों तरफ से वो महल बंद तो अब कोई दुश्मन अंदर प्रवेश नहीं कर सकता एक ही दरवाजा और कोई दुश्मन अब महल में प्रवेश नहीं कर सकता तो मौत का कोई भय नहीं पूरी तरह से सुरक्षित कहते हैं एक राज्य के राजा को वो अपना महल दिखा रहा था एक राज्य के राजा को महल दिखा रहा था तो वहां एक फकीर भी था वो फकीर देख के हंसने लगा फकीर उस महल को देख के हंसने लगा राजा ने उस फकीर से पूछा तुम हंस क्यों रहे हो उस फ़कीर ने कहा महल तो तुम्हारा बहुत सुंदर बना है बहुत सुरक्षित बना है लेकिन एक कमी रह गई उस फकीर ने कहा इस महल में एक कमी रह गई तो उसने पूछा क्या कमी रह गई है कहा तुमने इसमें जो एक दरवाजा रखा ये कमी रह गई जो एक दरवाज़ा रखा है छोड़ा है ये कमी रह गई ये दरवाज़ा भी बंद कर दो अंदर हो जाओ ये दरवाजा बंद करो तो पूरी तरह से सुरक्षित हो गए फिर पूरी तरह सुरक्षित अन्यथा इसी दरवाजे से मौत अंदर पहुंच जाएगी उस राजा ने कहा अगर हमने ये दरवाजा भी बंद कर दिया और हम अंदर हैं तो हम तो मर ही जाएंगे तब तो वैसे तो ही कब कब्र बन गई तो साधु ने कहा और फकीर ने कहा तुम तो पहले भी मरे हुए अब जितना एक दरवाज़ा रखा यही एक इतना ही तुम जीवन तुम्हारा है जितने ज्यादा हम दरवाजे बंद करते जाते हैं सुरक्षा जुटाते जाते हैं उतना ही हम मरते जाते हैं और जितने ज्यादा दरवाजे होते हैं जितने ज्यादा असुरक्षित होते हैं उतना ज्यादा परमात्मा के है। जितनी सुविधाएं साधन ये जुटाते हैं उतना ही परमात्मा से आस्था अनास्था हो जाती है अविश्वास हो जाती है अश्रद्धा हो जाती है कि कोई परमात्मा नहीं तो भगवान कहते कर्म सुरक्षा के लिए नहीं करेंगे कर्म करेंगे परमात्मा का भक्ति के लिए परमात्मा की सेवा समझ के पूज भाव से कहते हैं एक जगह तीन मजदूर पत्थर तोड़ रहे थे एक जगह तीन मजदूर पत्थर तोड़ रहे थे रास्ते जाते एक साधु ने पूछा पहले मजदूर से भाई क्या कर रहे हो जब पहले मैदू से जाके पूछा क्या कर रहे हो तो वो गुस्से से लाल पीला और कहा तुम्हारी आंखें फूटी हैं तो मैं देख नहीं रहा मैं क्या कर रहा आकाश से आग बरस रही है जमीन तप रही है और पत्थर तोड़ने का नर्क भोग रहे हैं नर्क भोग रहे पत्थर तोड़ने का आकाश से आग बरस रही जमीन तप रही है, और पत्थर तोड़ने का नर्क भोग पीड़ा है एक शिकायत है असंतोष है नर्क है साधु थोड़ा और आगे बढ़ा दूसरा व्यक्ति भी पत्थर तोड़ रहा उससे जाके पूछा भाई क्या कर रहे हो उसने आंखें नीचे की और कहा महाराज घर गृहस्थी वाले हैं परिवार है पत्नी है बच्चे हैं तो ये दो हाथ हैं श्रम करने के लिए भगवान ने दो हाथ दिए हैं श्रम करने के लिए अपनी जीव को उपार्जन कर रहे हैं अपनी जीव को उपार्जन कर रहे हैं थोड़ा संतोष है लेकिन जीव को उपार्जन कर रहे हैं अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रहे थोड़ा संतोष है साधु लेकिन मजबूरी भी है करने पड़ रहा थोड़ा और साधु आगे बढ़ा तीसरा आदमी भी पत्थर भी तोड़ लाओ गीत भी गुनगुना रहा पत्थर भी तोड़ रहा हो गीत भी गुनगुना रहा और पत्थर जब लेके जा रहा तो नृत्य करते करते साधु ने इससे भी पूछा भाई क्या कर रहे हो इसने साधु ने को इसने हाथ जोड़ के प्रणाम किया मजदूर ने और कहा महाराज न मालूम के मेरे किस जन्म के पुण्य प्रगट हुए हैं पुण्य उदय हुए हैं कि देखो भगवान की हम पर कृपा हम भगवान का मंदिर बना रहे परमात्मा ने हमें ही क्यों चुना हम भगवान का मंदिर बना रहे पत्थर भी तोड़ रहा हो गीत भी गुनगुना रहा और पत्थर को जब लेके जा रहा है तो नृत्य करते करते लिए। इसके लिए ये पत्थर तोड़ना इस साधना है ये भक्ति है, समर्पण है ये पूजा है इसके लिए वर्क जो वर्क से भी ये इस, काम इसके लिए पूजा हो गया इतना भाव से कर रहा आनंद से कर रहा एक जीवन में उत्सव है एक प्रसन्नता है एक आनंद है तो भगवान ये आनंद कब आएगा जीवन क्रिया व्यवहार उत्सव कब बनेगा जब भगवान कहते हैं मुझे अर्पण करके जियो मुझे अर्पण करके यानी मुझे परमात्मा को अर्पण जब करते हैं तो राग द्वेष से मुक्त हो जाते अपने लाभ हानि से मुक्त हो जाते ना कोई राग ना द्वेष ना लाभ ना हानि परमात्मा की पूजा है तो जब परमात्मा की पूजा समझ के कर्म के भगवान ने इसलिए तीन मार्ग बताए तीसरा मार्ग बताया कि अगर तुम भक्ति नहीं कर पा रहे हो प्रेम नहीं कर पा रहे हो तो अभ्यास ज्ञान का रास्ता और वो भी नहीं कर रहे अभ्यास नहीं कर पा रहे ज्ञान का मार्ग नहीं ज्ञान योग में तुम्हारी दक्षता नहीं आ रही है तो कर्म के रास्ते से धीरे धीरे तुम्हारी पात्रता बनेगी कर्म योग में जाओगे राग द्वेष से मुक्त होगे तो फिर ध्यान कर सकोगे और ध्यान जब पकेगा पल्लवित होगा पुष्पित होगा खिलेगा तो अंदर फूल खिलेंगे प्रेम के फूल भी खिलेंगे आज हम यहीं विराम करते हैं मेरा सभी को प्रणाम हरिओम